लॉकडाउन चल रहा है तो सारी स्वीट्स की शॉप्स बंद हैं, लेकिन अगर मिठाई खाने को मन करे तो क्या करें? तो मिठाई खाने का मन हो और मिठाई भी मावा से बनती है तो मावा कहाँ से लेके आए? मावा बनाने में घंटा 2 घंटे लग जाते हैं और इतना टाइम किसके पास है? तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंस्टेंट मावा रेसिपी। तो इंस्टेंट मावा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मावा। ये मावा हमारा 4 या 5 मिनट में ही बन जाता है, तो चलिए फिर मावा जल्दी से बना लेते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए फिर जल्दी से बना लेते हैं मावा। इंस्टेंट मावा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं आधा कटोरी दूध की ले रही हूँ और दूध मैंने ठंडा ही लिया है, इसमें थोड़ी बहुत मलाई भी है। ये आधा कटोरी दूध की ली है तो 1 कटोरी मैं इसमें मिल्क पाउडर की डालूंगी। एक बार में सारा मिल्क पाउडर नहीं मिलाना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैं स्लो ही रखूंगी और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर मिलाते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे जब तक कि इसके लम्ब सारे क्लियर ना हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारा मिल्क पाउडर मिला दिया है, इसको अच्छी तरह से हिला देंगे तो ये लम्ब्स फ्री कर लेंगे बिल्कुल ही। अब इस स्टेज में हमने इसमें घी ऐड करना है। घी हमें 2 टेबलस्पून के करीब डालना है, 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे घी को भी। देखिए ये मावा बनकर तैयार हो चुका है, ये साइड से अपने आप ही उतर रहा है क्योंकि हमने इसमें घी डाला है, तो घी से सारा ये मुलायम हो जाता है, चिकना हो जाता है बिल्कुल। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, तो इसे कोई भी मिठाई आप बना सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स कैसे 4 से 5 मिनट्स में हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। तो मिल्क पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाता है, स्वीट्स की शॉप्स बंद होने के बावजूद भी आप घर में आसानी से मावा से कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका, आइडिया मेरा। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।